के तरीके से यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब समाजवादी के लोग हैं। अब वो ओहदेदार लोग हैं, वो क्यों ऐसा किए वो उनसे सवाल किया जाए, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी 3 से 4 महीनों से चला रहे हैं, हम तफरीका नहीं फैलाए हैं, ये 8 दिन हुआ आए हैं और ये ऐसा किए, उनसे जाके पूछिए। मुसलमानों को दहशत गर्द बोला जा रहा था और इन्होंने तहकीक करके बताया कि यार मुसलमान दहशत गर्द नहीं है, मुसलमान सबसे ज़्यादा देशभक्त है, ख़ास तौर से मालेगांव शहर का मुसलमान देशभक्त इसलिए है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़े का बिजनेस करने आए थे और मालेगांव शहर के लोग भी बुनकर थे, हमारा झगड़ा उनसे जो बिजनेस के ताल्लुक से भी था और इस देश पे जो है वो कब्जा किए उनके खिलाफ भी था। ये हेमंत करकरे साहब जो है एक ईमानदार ऑफिसर थे जिन्होंने ये तहकीक किया, ऐसे ईमानदार सैकड़ों हजारों ऑफिसरों की इस देश को ज़रूरत है, क्योंकि पुरका परस्तों का जो मंशा है कि मुसलमानों के खिलाफ CA और NRC बनाया गया, ऐसे कानून को रोकने के लिए ईमानदार ऑफिसरों की बहुत ज़रूरत है। 15 साल पहले उनकी शहादत हो गई, 15 साल हो गए 26/11 की वारदात से, आज तक मालेगांव शहर ने हेमंत करकरे के नाम से एक छोटे बोर्ड के सिवा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर जो है जो 15 साल से सियासी लीडरान हैं, जो अपने आप को कौम का हमदर्द समझते हैं, ये उनका काम था। हम तो इस साल जो है देखा कि हमारा साथी समाजवादी आसिफ अली ड्रावर इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हम जो है उसकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं और हम इंशाअल्लाह ताला ऐसा ये अच्छा बनवाएंगे, कॉरपोरेशन हमारी है, बॉडी आएगी, इनको अच्छा काम करेंगे और हो सकेंगे तो जो भी मशवरे होंगे सरकार से मुतालबा करेंगे हम कि भाई ये हेमंत करकरे साहब के वास्ते ये किया जाए। सुबह भी समाजवादी पार्टी के मुस्तकिम दिग्नेटी आके यहाँ पे खराज अकीदत पेश कर दिया, हाँ। अभी आप समाजवादी के लोग आए तो क्या समाजवादी मालेगांव में 2 ग्रुप में है क्या? देखिए रात में समाजवादी पार्टी की 10 बजे मीटिंग हुई, उस मीटिंग में तमाम लोगों के सामने ये तय किया गया कि 3:30 बजे मसौरा चौक पर जमा होकर बिक्कू चौक जाना है, हेमंत करकरे साहब के जो है उनके पास जाके खिराज अकीदत पेश करना है, ये ऐसा तय हुआ। और उसी के तरीके से यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब समाजवादी के लोग हैं, अब वो ओहदेदार लोग हैं, वो क्यों ऐसा किए वो उनसे सवाल किया जाए, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी 3 से 4 महीनों से चला रहे हैं, हम तफरीका नहीं फैलाए हैं, ये 8 दिन हुआ आए हैं और ये ऐसा किए, उनसे जाके पूछिए। मतलब वो इन्हें 2 ग्रुप कर रहे हैं, आपका ग्रुप अलग है, वो अलग होके काम करना, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सब मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैं तो पूरे लोगों को लेकर चलता हूँ। मैं जब भी इस शहर में तहरीक चलाया, बुनकरों की तहरीक हो या कोई और बात हो, तो हमने सब मकतब फिक्रों के सब तंजीमों को इकट्ठा करके मसाइल को हल करने की बात की है, हम लोग तो तफरीका तही नहीं। मौजूदा सदर है आप पार्टी के, अगर जी आपके प्रोटोकॉल को पार्टी के दूसरे उम्मीदवारान या कार्यकर्ता नहीं मान रहे, इसको आप कैसे देखते हैं? बोलो, नासिक जिले हमारे है उम्मीदवार शहर में एक ही पार्टी, हाँ। में अगर ये तय हो रहा है कि 3:30 बजे जाना है, अभी अभी आप लोगों के जरिए हम लोगों को मालूम पड़ा कि कुछ लोग आ करके सुबह भी कोई प्रोग्राम करके गए, हम लोग उनसे पूछेंगे क्या वजह है क्या नहीं है, उसके बाद ही हम इस पर जवाब दे सकेंगे। पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं है, एकजुट है सब लोग, थोड़ा सा तालमेल में कमी हो सकती है, उसको हम दूर कर लेंगे या हमारा, लेकिन पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब लोग इकट्ठा एकजुट है और इंशाल्लाह आने वाला वक्त ताकत के साथ समाजवादी पार्टी का वक्त होगा, इतना ही कहना है।